नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मिश्रा आपके सामने और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को सामने लाया हूं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस बेचना, हाउ टू सेल इंश्योरेंस। मैंने लोगों से सुना है कि इंश्योरेंस बेचना बहुत कठिन होता है, इंश्योरेंस हम बेच नहीं पाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस बेचना कोई बड़ा टास्क होता है। राइट, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें सही तरीका पता होना चाहिए। जब तक हमें सही तरीका नहीं पता कि हम इंश्योरेंस को बेचें कैसे, बीमा को बेचें कैसे, किस व्यक्ति को बेचें, हम कभी इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। लोग सोचते हैं जब आप मार्केट में निकलते हैं, जाते हैं कि सर आप इंश्योरेंस लेने, सर मैं इस कंपनी से आया हूं, सर आप इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताएं, क्या दुनिया में सारे लोग फालतू हैं कि आपकी बातें सुनते रहेंगे? और लोगों के माइंड में एक नेगेटिव थॉट आता है कि दुनिया का सबसे बेवकूफ, सबसे गधा मैं हूं क्या कि मैं इसका इंश्योरेंस खरीदूं? जबकि इस दुनिया के अंदर लोग मिट्टी का बर्तन बना के, मिट्टी के मटके बना के दुनिया को बेच सकते हैं, तो क्या हमारा इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है मिट्टी से भी ज्यादा सस्ता है क्या? ये आप अपने दिमाग में सोचें। जब मिट्टी का बर्तन लोग बेच सकते हैं तो क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते? इंश्योरेंस बेचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो ये है कि सबसे ज्यादा लोग खुद को प्यार नहीं करते, अपने सगे संबंधियों को ज्यादा प्यार करते हैं। एक हस्बैंड अपनी पत्नी को, एक बाप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करता है। अगर आप एक जवान लड़के से बोलोगे कि आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना चाहोगे, उसके आप बेनिफिट्स बताओगे कि 3,000 के प्रोडक्ट में, 4,000 के प्रोडक्ट में आपको 1,00,000-2,00,000 रुपए का बेनिफिट है। भगवान ना चाहे कि ऐसा समय आया और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो 4,000 के प्रोडक्ट में आप 2,00,000 रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। 1,00,000 रुपए में 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, जो भी आपकी पॉलिसी बिलोंग करती है। इस तरह की बात अगर आप किसी को बताते हैं तो क्या वो व्यक्ति समझेगा? वो जरूर समझेगा, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसे अपनी चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको मैं 100% श्योर होकर बताऊंगा कि आप उस व्यक्ति को वो प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आप उसकी पत्नी को बेचें, वो प्रोडक्ट आप उसके बच्चे को बेचें और उसको बताएं कि सर ऐसा ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है कि हमारी जेब में 1 रुपया नहीं बचता, और घर में इमरजेंसी होने पर, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होने पर अचानक हमें 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आता। उस समय ये बीमा पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको आज बेकार बोलते हैं, जिसको आप आज पसंद नहीं करते, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक शहर में, उन्होंने मुझे बताया कि 3,000 की एक पॉलिसी से उसके पेट में स्टोन, पथरी जिसको बोलते हैं, वो पड़ गया। पथरी के इलाज के लिए 3,000 की पॉलिसी में 50,000 रुपए का इलाज कराया उसने। अब दोस्तों ये बात बताएं कि अगर उसने पॉलिसी नहीं खरीदा होता और एक गरीब व्यक्ति के पास 50,000 रुपए कहां से आते? और आप जानते हैं गरीब व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण उसकी जान बच गई। तो दोस्तों बस एक चीज याद रखें जिंदगी में कि जब भी किसी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट बेचें, आप उस प्रोडक्ट को उसकी भावनाओं के साथ में मैच करें, उसकी भावनाओं के साथ में जोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति कई प्रोडक्ट नहीं परचेस करता। कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आपको उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ में प्ले करना है, खेलना है। खेलने का मतलब ये नहीं कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि अपने प्रोडक्ट का इमोशनली टच्ड उस प्रोडक्ट के साथ में होना चाहिए। अगर आप उसके प्रोडक्ट को
अपना प्रोडक्ट उसकी भावनाएं, अपना प्रोडक्ट उसकी भावनाएं दोनों एक दूसरे के साथ में अगर जुड़ जाएंगी तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा। और वो खुद खरीदेगा, साथ साथ में आपको 2-4-5 रेफरेंस भी देगा कि ये आप प्रोडक्ट को यहां भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस सेल करने जाएं तो कभी इंश्योरेंस सेल ना करें, बल्कि जिस व्यक्ति से आप बातें कर रहे हैं उससे आप व्यवहार बनाएं, उससे आप रिलेशन क्रिएट करें। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपको 10-5 रेफरेंस मिलेंगे और आप उसके बारे में जानकारी लगाएं कि उसकी शादी हुई कि नहीं, उसके बच्चे हैं कि नहीं, और आप अपने प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण फीचर्स, महत्वपूर्ण लाभ, बेनिफिट्स उनको उसके परिवार की भावनाओं के साथ में जोड़ दें और आपका प्रोडक्ट खुद ही बिक जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के काफी वीडियोस मैं आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद।